रोता बिलखता ये परिवार पुलवामा में शहीद अवधेश यादव का है। पूरे घर में मातम पसरा है। रो रो कर परिजनों का बुरा हाल है। चंदौली के अवधेश यादव ने भारत माँ के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन अब उस बूढ़ी माँ का क्या होगा जिसकी गोद सूनी हो गई। शहीद अवधेश यादव की माँ को कैंसर है। बूढ़े पिता भी इलाज की बदौलत ही जिंदगी गुजार रहे हैं। एक भाई भी है, लेकिन वो बेरोजगार। परिवार का एकमात्र सहारा थे अवधेश यादव। परिजनों के साथ ही गांव वाले भी गमजदा हैं कि अब परिवार को कौन संभालेगा। बड़ा लड़का था, उसी पर परिवार आश्रित था, और उसकी माँ कैंसर से जूझ रही है। हम अपने सामने खुद बीएचयू में देखे हैं। वो लड़का छुट्टी में आता था, बेचारा अपने माँ को लेकर बीएचयू में जाता था, इलाज करवाता था, और ये परिवार बहुत ही बेहद गरीब है। और आज इतना दुख है, इस शहादत का बदला हम लोग जरूर लेंगे। शहीद अवधेश के घर पर लोगों की भीड़ है, हर किसी की आंखें नम है, और सभी की एक ही मांग है, बदला, और केवल बदला। एक के बदले 100 आने चाहिए सर, एक के बदले 100 नहीं है सर। जो मोदी जी ने, जो प्रधानमंत्री ने वादा किया था, वो पूरा होना चाहिए। यदि आपको मौका मिले फोर्स में जाने का, आप जाएंगे? आप चले जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, 100 हजारों को मार के। 2 साल के बेटे अखिल को तो यह भी नहीं पता कि उसके पिता अब लौट कर नहीं आने वाले हैं। साल 2012 में अवधेश सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे, और उसके 2 साल बाद उनकी शादी शिल्पी के साथ हुई थी। सभी को छोड़कर अवधेश चले गए ताकि आप और हम सुरक्षित रह सकें। उनकी कुर्बानी को यह देश कभी नहीं भूलेगा। इस घर में शहादत का गौरव भी है, लेकिन परेशानियां भी कम नहीं है। इन सब के बीच बहादुरपुर के इस गांव से अब एक मांग उठी है, उन्हें पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खात्मे से नीचे कुछ भी नहीं चाहिए। कमलजीत सिंह, ईटीवी भारत, चंदौली।